नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, वो हो गया है स्टार्ट। और यहाँ मैं सुबह की एक बार झाड़ू निकाल रही हूँ। वैसे तो बाद में आंटी करती है, आंटी नहीं आती तो मैं करती हूँ, लेकिन सुबह एक बार मतलब किचन में जाने से पहले, नाश्ता वगैरह बनाने से पहले एक बार मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ। तो हो गया मेरा काम, अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। कल यहाँ के ईशू और गुड्डू ने, दोनों ने बोला था कि मम्मा हमें कल मैक्रोनी लेके जानी, और बहुत ज़्यादा मसाले या कुछ पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैं बनाती, सिंपल सी बनाती हूँ और ऐसे ही वो खाती हैं। तो यहाँ प्याज हल्की सी फ्राई कर ली जीरा डाल के, और फिर टमाटर डाल लिया, और उसमें जो मैक्रोनी है वो मैंने बॉईल कर ली थी हल्की सी, और अब वो मैक्रोनी इसके अंदर डाल के थोड़े से मसाले, हल्दी नमक मिर्च डाल के मतलब मिक्स कर दिए। और ज़्यादा मसाले तो मैं नहीं डालती और सिंपल सी बनाती हूँ। और मैं ईशु को बोल भी रही थी कि इसमें सॉस डाल दूँ, लेकिन दोनों ने ना कर दी कि नहीं मम्मा सिंपल सी बनाओ। तो यहाँ बस मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और बन गई है हमारी मैक्रोनी। हम ऐसे ही खाते हैं सिंपल सी, आप कुछ और तरीके से खाते होंगे मुझे लगता है, लेकिन हम इसी तरीके से खाते हैं। तो मैक्रोनी बन गई है, और इधर जब तक मैंने नाश्ता बनाया, बच्चे भी नहा के तैयार हो गए हैं दोनों। अब उनकी जो चोटी वगैरह है वो बना दूंगी। ईशु, पहले ईशु की बनाऊंगी क्योंकि ईशु को ज़्यादा जल्दी रहती है। ईशु को तो यही रहता है कि दीदी से पहले करना मुझे सारा काम। तो यहाँ पहले मैं ईशु की चोटी बना दूंगी। तो ईशु हो गई है तैयार, अब बस गुड्डू की भी बना दूंगी। और टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा, सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये सब काम करने थोड़ा थोड़ा टाइम लग के, मतलब टाइम कैसा निकल जाता है पता नहीं चलता। और बस यहाँ देखिए गुड्डू भी तैयार होगी, और अब दोनों बहनें देखिए कर रही हैं कान्हा जी को तैयार। सुबह ही करके जाती हैं ये, स्कूल जाती है ना, उससे पहले ही अपने आप नहा धो के सुबह ही कान्हा जी को भी फिर नहला देती हैं दोनों बहनें मिलके। तो यहाँ दोनों तैयार कर रही हैं, और ईशु की पसंद की ड्रेस पहनी जाती है रोज़, कान्हा जी को पहनाई जाती है। जब तक ईशु पहले तैयार हो जाती है ना, तो वो पहले कान्हा जी के लिए कपड़े निकाल लेती है कि आज कौन से पहनाने, कौन से वाले कान्हा जी को, तो वो तैयार करके रखती है जब तक गुड्डू आती है। तो फिर मिलके दोनों नहला धुला के उनको तैयार कर देते हैं। और अब कान्हा जी बड़े वाले भी यहीं पे ही हैं, हिंदू अर गए हुए हैं ना, तो इसलिए यहीं पे ही हैं। तो दोनों कान्हा जी का कर रही हैं दोनों बहनें मिलके, और ईशु को तो बहुत ज़्यादा शौक है ये सब करने का, पूरी एक्साइटेड रहती है। और आजकल ना गुड्डू से पहले ही नहा लेती है, कहती है कि मुझे फिर कान्हा जी को तैयार करना, पहले मैं नहाऊंगी। तो बस यहाँ लग रही हैं दोनों बहनें। वहाँ उन्होंने कान्हा जी को तैयार कर दिया, और इधर नाश्ता बना दिया है मैंने। अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स लगा दूंगी, बोतल वगैरह भर के तैयार कर दी, और एप्पल भी काट दिया है। ईशु फ्रूट लेकर जाती है, गुड्डू नहीं ले जाती, तो यहाँ लगा दिया। और इसमें अलग डब्बी में मैंने सॉस दे दिया है, अगर इनको डालना होगा तो डाल लेंगी, मर्जी है तो मैं दे देती हूँ। बस फटाफट से लंच बॉक्स लगा के इनका। अरे थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ भी दे दिया दोनों को नाश्ता। गुड्डू तो एक दो चम्मच खा के उठ गई, और ईशु को, जब ईशु ना धीरे धीरे करती है, गुड्डू फटाफट से खा के उठ जाती है, फिर ईशु सोचती है कि दीदी ने सारा मुझको ही दे दिया, वो चिढ़ जाती है फिर। तो यहाँ गुड्डू के पापा इनको छोड़ने चल दिए, और आजकल कन्हैया नहीं है तो सारा काम गुड्डू के पापा को ही करना पड़ता है। नीरज भैया भी नहीं है, कन्हैया भी नहीं, तो ये जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और बच्चों के एग्जाम चले हुए मंडे से, तो दोनों जा रही हैं, तो मैं चले गए थे छोड़ने के लिए बच्चों को। और बस मैं अपने रूटीन पे लग गई हूँ अब, मेरी बच्चों को छोड़ने के बाद, मतलब भेजने के बाद स्कूल में, तो सबसे पहले मेरा काम होता है योगा करना।
क्योंकि अपने लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए। वैसे तो देखो सुबह ही तो मैं नहीं कर पाती, इतनी जल्दी मेरे से उठा भी नहीं जाता, और जित चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाओ फिर भी इतना टाइम हम दे नहीं पाते। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को भेज के आराम से योगा करूँगी, जिससे तसल्ली से हो, वरना तो सुबह तो क्या होता है, योगा भले ही करते रहो लेकिन ध्यान घड़ी की तरफ रहता है कि कभी लेट ना हो जाए। तो यहाँ मैं बस आराम से आध पौन घंटा कर लेती हूँ बच्चों को भेज के, और मम्मी लेटी हुई है यहीं पे ही टीवी देख रही हूँ। सुबह जो रामदेव का प्रोग्राम आता है तो वो चल रहा और मैं योगा कर रही हूँ। तो योगा मेरी हो गई है, अब गुड्डू के पापा बनाने लगे हैं लौकी का जूस, और ये हमारी ड्रिंक है। आप पूछ भी रहे थे ना कि दीदी आप पतले हो इतने, आप क्या करते हो? मुझे लगता है वैसा तो देखो स्पेशल मैं कुछ नहीं करती, लेकिन सुबह एक योगा करती हूँ मतलब, और फिर मैं लौकी का जूस पीती हूँ, शायद इससे ही मैं पतली हूँ, अगर मैं मेरे पतले होने का राज यही है। तो लौकी का जूस वैसे भी हेल्थ को भी सही करता है, और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बढ़ता है या घटता है, तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मम्मी को भी दिक्कत हो रही बीपी की और मुझे तो रहती है, तो अक्सर हम ज़्यादातर लौकी का जूस सुबह ही मॉर्निंग में पीते हैं खाली पेट। तो यहाँ बस बना दिया है गुड्डू के पापा ने, वे पी लेंगे, मुझे भी दे देंगे और मम्मी को भी, तो तीनों का लगा दिया, अब बस तीनों पी रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपना नहा धो लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, नाश्ता हो गया था, सारा काम मेरा हो गया था नीचे का, मतलब जो किचन का, घर का साफ़ सफाई, क्लीनिंग। उसके बाद मैंने धोए हैं कपड़े और मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए ऊपर, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही, धूप भी बहुत तेज़ हो रही, और बस फटाफट से फैला दूँगी। और कपड़े जो डेली यूज के हैं वो तो मेरे धुल गए, अब मैंने धोए हैं बाद में, जो सोफे के कवर है वो कवर वगैरह सारे धो दिए। मैं कहा चलो कई दिन हो गए, त्योहार थे ना, और फिर ज़्यादातर मतलब सब बैठे उठे तो काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही हो रहे थे। तो मैं कहा चलो, बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा आरू भी थी तो कभी कुछ गिरा देती थी कभी कुछ, तो मेरे से धुले नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज धो देती हूँ ये कवर भी, मौसम भी थोड़ा ठीक सा, धूप भी है, मैं कहा सूख जाएंगे। तो अब है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाना मैंने सब्जी रख दी है बनने के लिए, आलू टमाटर की सब्जी बनाई, और फिर मैंने ये दही जो, सॉरी मलाई थी, दूध आया था ना गाँव में से, उसकी मलाई उतरी हुई थी तो वो मैंने उतार कर रख दी थी, तो इसको रात जमा दिया था। मैं कहा चलो इसको भी मक्खन बना देती हूँ, और वैसे तो अब मैं मतलब पैकेट वाला दूध लेती हूँ, जब वैसे दूध वाले भैया आते थे वो दूध देते थे तो उसकी तो मलाई उतर जाती थी, लेकिन पैकेट वाले की मैं उतारती नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ ही जब हम पीते हैं वो तभी गर्म करती हूँ इस वजह से। तो अब ये गांव में से जो दूध आया था उसी की थी, दूध ज़्यादा था ना इस वजह से, तो ये मैंने जमा दिया और इसको बलो लिया है, इसका बना दिया है मक्खन। अब मैं इसको थोड़ा सा पिघाल कर रख दूँगी और बस फिर कल पकाऊंगी, आज नहीं पकाऊंगी, क्योंकि पिघाल के जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको रख दूंगी फ्रीज में, और फ्रीज में रख के इसकी लस्सी अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। और सब्जी बन चुकी है, बस मैं साथ साथ सलाद भी काट दूंगी, खाने का टाइम हो गया, बच्चे तो स्कूल ही जा रहे हैं, मगर दोनों खा लेंगे, मम्मी और गुड्डू के पापा,
और रोटी बना के साथ साथ दे दूंगी गरम गरम, क्योंकि मम्मी से तो ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। जब मतलब जैसा ही बनाते हैं ना गरम गरम रोटी में एक आध खा भी लेते हैं, ठंडी नहीं चबती नहीं उनसे, क्योंकि इनको दांत नहीं है इस वजह से। तो यहाँ बस दोनों को दे दिया है मैंने खाना, मम्मी को भी और गुड्डू के पापा को भी, तो दोनों खा रहे हैं। बस फटाफट से मैं गर्मा गर्म दे दूँगी बना के और दोनों खा लेंगे। बस उनको देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था, और फिर 3 बजे के करीब बच्चे भी आ गए थे, फिर बच्चों को भी दे दिया। फिर हमने किया है रेस्ट थोड़ी देर सबने, और अब है देखिए शाम का टाइम, और शाम को अब मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए और मम्मी के लिए, और ईशू के लिए मैंने कर दिया है दूध। गुड्डू तो पीती नहीं, गुड्डू तो दूध दूध और फ्रूट से बिल्कुल दूर रहती है, बिल्कुल नहीं पीती, चाहे उसको कितना भी बोल दो लेकिन पीती नहीं। तो ईशू तो पी लेती है, तो यहाँ मैंने ईशू के लिए दूध कर दिया और अपने लिए बना दी है चाय, और चाय डाल ली है मैंने। मम्मी हमेशा ग्लास में ही पीती है, तो मम्मी के लिए ग्लास में ले ली, और मम्मी कप में नहीं पीती चाय कभी भी, तो और अपनी ले ली है मैंने कप में। और कान्हा जी को भी हमने यहीं पे बिठा रखा, कान्हा जी को भी मैंने दोनों को दूध दे दिया था, क्योंकि जैसे मैं ईशु को गुड्डू को देती हूँ सेम ऐसे ही मैं कान्हा जी को भी देती हूँ जब शाम को देती हूँ। तो ये दूध दे दिया था और हमने पी ली थी चाय। और यहाँ शाम की चल रही है कथा, टीवी पे आती है कथा शाम को, अनिरुद्ध क्या नाम है उनका, अनिरुद्ध आचार्य जी, तो उनकी कथा आती है, तो मम्मी वो हमेशा सुनती है गाँव में भी। तो अब 2-3 घंटे मम्मी के इनमें ही निकल जाते हैं, वैसे तो निकलते नहीं देखो यहाँ से, काम मतलब काम कूम नहीं करते में, और वैसे भी बाहर नहीं जाते, तो उसमें कथा में उनके 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो मम्मी वो भी सुन रही और मैं भी, और चाय पी रहे दोनों सासू बहू बैठ के देखिए। तो बस सारा काम मेरा हो गया था, अब आ गई हूँ मैं कपड़े प्रेस करने के लिए अंदर कमरे में, और प्रेस करने लगी हूँ यहाँ पे, और मम्मी बैठी है बात कर रही है मेरे साथ, और बस मैं अपना काम कर रही हूँ और मम्मी बैठी है। गुड्डू के पापा भी कुछ पूछ रहे थे मम्मी से, तो वे भी बात कर रहे हैं। और ईशु को भी मैंने बिठाई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि ईशु के पेपर चल रहे हैं, मतलब वो भी पढ़ लेगी साथ साथ, वो उठ के फिर चली गई पता नहीं कहाँ पर, क्योंकि बच्चे ना एक साथ बैठते नहीं थोड़ी देर भी, 10-10 मिनट बाद उठ के चल देती है, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये करना वो करना, मुश्किल से बिठाना पड़े बच्चों को साथ में। तो यहाँ बस हमारी बातें भी चल रही और काम भी चल रहा। और प्रेस के कपड़े मेरे 2 बार के धुले हुए हो गए थे, एक तो आज ही धोए थे मैंने सुबह के टाइम, और परसों भी धोए थे, वे मेरे से प्रेस नहीं हुए थे, टाइम नहीं लगा था इस वजह से, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे प्रेस करने में। और बस मैं फटाफट से कर देती हूँ, और मम्मी को ना आराम नहीं हो रहा, पता नहीं किस वजह से क्या हो रहा, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही या क्या हो रहा, तो देख रहे हैं कि चेंज करेंगे डॉक्टर, टेस्ट भी हो गए सारी कुछ, लेकिन जैसा आराम मिलता है ना मिला नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही, इनको नींद नहीं आ रही है, और इनके ना हाथ हिलते रहते हैं, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी इनको, और वैसे टेस्ट करवाए तो नॉर्मल है, तो ज़्यादा जैसा मतलब आराम नहीं मिल रहा। तो सोच रहे हैं हम कि डॉक्टर चेंज करें, देखते हैं कल इसके पापा दिखा के लाएंगे दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। तो जी खैर शाम की मेरी जो प्रेस वगैरह वो हो गई थी, और बस फिर मैंने खाना खुना बनाया सारा काम करा अपना, और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।